दोस्तों रियल गैस का चरित्र बड़ा विचित्र सा है, रियल गैस का चरित्र बड़ा विचित्र सा है। इसकी सांसों में महक इतर सी है, इतर जैसी है। इतर की आपने यार फ्रेग्रेंस ली होगी, बड़ा शानदार आपको भी लगता होगा इतर। ऐसे यार रियल गैस की भी आपको फ्रेग्रेंस आनी चाहिए। हाँ, रियल गैस में आप पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड से यार जान पहचान करेंगे, नहीं करेंगे तो रियल गैस में आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाएगा। वेंडरवॉल गैस इक्वेशन पता होते हुए भी रियल गैस में आपकी परफेक्शन नहीं आ पाएगी अगर आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता नहीं रहेंगे तो। ठीक है, तो आज की शानदार सेशन में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड को यार स्ट्रॉन्ग बनाना है और साथ में विरियल गैस इक्वेशन की बात करनी है, एक जनरलाइज्ड फॉर्म की बात करनी, क्या है विरियल गैस इक्वेशन और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। तो आइए मेरे साथ जल्दी से नोटबुक और पेन निकाल लो और हेडिंग डाल लो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। क्या है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मेजर्ड बाय कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड को कैसे मैथमेटिकली इंडिकेट किया जाएगा, ध्यान से देखिए। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड को इस शानदार अंदाज में इंडिकेट किया जाएगा, जेड इज इक्वल टू पीवी बाय एनआरटी। जेड क्या है? रेशियो ऑफ पीवी एंड एनआरटी है। पीवी बाय एनआरटी जेड है, पी इंटू वी बाय एनआरटी। ये देख लो, ये रियल गैस का प्रेशर है, रियल गैस की वॉल्यूम है। इसको हम स्टाइलिश तरीके से ऐसे भी लिख पाएंगे, पी रियल वी रियल बाय एनआरटी। ठीक है, और एनआरटी को पी आइडियल वी आइडियल भी बोला जा सकता है। जी हाँ, एनआरटी किसके इक्वल है? आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई किया जाए तो एनआरटी आर पीवी के इक्वल है, तो इसको हम पी रियल वी रियल बाय पी आइडियल वी आइडियल भी बोल सकते हैं। इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड से हमें क्या पता चल रहा होगा? देखिए, जेड पीवी बाय एनआरटी है। जेड क्या है? पीवी बाय एनआरटी है। इसको ध्यान से देख लो, अगर जेड की वैल्यू 1 हुई, जेड की वैल्यू 1 हुई तो मंजर कैसा होगा? जेड इज इक्वल टू 1 हुआ, इफ जेड इज इक्वल टू 1 तो ऐसे केस में क्या होगा? जेड 1 के इक्वल हुआ तो पीवी बाय एनआरटी, पीवी बाय एनआरटी 1 के इक्वल है, यानी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यानी आइडियल गैस इक्वेशन एप्लीकेबल है। आइडियल गैस इक्वेशन यहां पर एप्लीकेबल है। अगर यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन एप्लीकेबल है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ऐसी फॉर्म मिल रही है जेड को 1 पुट करने के बाद, ये किसके लिए एप्लीकेबल है यार? आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल, यानी यार गैस का बिहेवियर कैसा है? आइडियल है। गैस बिहेव्स आइडियली, गैस बिहेव्स आइडियली, आइडियली हम ऐसा बोलेंगे। लेकिन 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 ऐसा हुआ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड 1 के इक्वल ना हुआ, इफ जेड इज नॉट इक्वल टू 1। इस ग्राफ की भी हम बात करेंगे, इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। अभी यहां देखिए, अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड 1 के इक्वल नहीं हुआ, यानी ये जो रेशियो है पीवी बाय एनआरटी, ये 1 के इक्वल नहीं है। अगर ये रेशियो पीवी बाय एनआरटी 1 के इक्वल नहीं है तो ऐसे केस में पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी है, यानी गैस आइडियली बिहेव नहीं कर रही होगी। पीवी एनआरटी के इक्वल होगा तभी तो आइडियल बिहेवियर होगा। अरे आइडियल गैस इक्वेशन एप्लीकेबल होगी तो बिहेवियर आइडियल होगा, अगर ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी तो बिहेवियर नॉन आइडियल होगा। बिहेवियर इज नॉन आइडियल, बिहेवियर ऑफ गैस, ऑफ गैस इज नॉन आइडियल, नॉन आइडियल गैस का बिहेवियर होगा नॉन आइडियल।
क्या इसमें कोई डाउट? होना तो नहीं चाहिए इसमें कोई डाउट, नहीं है तो आगे चलते हैं। तो देखिए जेड वन के इक्वल नहीं है, या हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन रही होंगी, जेड इज नॉट इक्वल टू वन, देन वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर वन, वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर वन, जेड इज ग्रेटर देन वन। पॉसिबिलिटी नंबर टू, जेड इज लेस देन वन। जेड जो है देखिए वन से ग्रेटर है। पॉसिबिलिटी नंबर टू, जेड वन से लेसर है। अगर जेड यार वन से ग्रेटर है, यानी पीवी बाय एनआरटी मोर देन वन है, यानी पीवी ग्रेटर है एनआरटी से। आप ऐसा भी बोल सकते हो पी रियल वी रियल, पी आइडियल वी आइडियल से ग्रेटर है। एनआरटी को पी आइडियल वी आइडियल बोला जा सकता है। यहां देखिए अगर ये ग्रेटर देन वन है तो पी रियल वी रियल पी आइडियल वी आइडियल से क्या होगा? ग्रेटर होगा। रियल गैस का प्रेशर यार ज्यादा होगा, इसका मतलब ये जेड लेस देन वन है, यानी पीवी बाय एनआरटी लेस देन वन है, यही मतलब है इसका। और पीवी इज लेस देन एनआरटी, पी रियल वी रियल इज लेस देन एनआरटी, पीवी के इक्वल है। और आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई किया जाए तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मिलता है। और यहां देखना ये पी कौन सा, पी आइडियल है इनटू वी, वी कौन सा है, वी आइडियल है। पी रियल वी रियल पी आइडियल वी आइडियल से लेसर है, मतलब रियल गैस का प्रेशर यार कम है। ये कम क्यों है? क्योंकि रियल गैस का प्रेशर क्या है, कम है। जरा सोचिए रियल गैस का प्रेशर ज्यादा और कम किस वजह से हो सकता है? अगर गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे को खींचना स्टार्ट कर दें, जैसे मार्कर आपकी तरफ जा रहा है, कैमरा से टकराने से पहले मैंने खींच लिया, ठीक है, तो बताइए कि यहां ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा अगर मैं पीछे से खींच रहा हूंगा, या फिर कम फोर्स यहां एग्जर्ट कर पाएगा? मुझे लगता है कम फोर्स एग्जर्ट कर पाएगा। इस फोर्स को मैंने यार डिक्रीज कर दिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको खींचकर इस फोर्स को मैंने, ये जो फोर्स आगे की तरफ अप्लाई कर रहा था इसको मैंने कम कर दिया। यानी गैस के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होगी तो ऐसे केस में प्रेशर कम मिल रहा होगा। जी हां, प्रेशर का कम मिलना इस बात का प्रमाण है गैस के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होगी। जी हां, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। रियल गैस का प्रेशर कम है, इसका मतलब है अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ये डोमिनेंट है। अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट। अगर यार रियल गैस का प्रेशर ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब गैस के पार्टिकल्स के एक दूसरे के साथ जो धक्का मुक्की है ये ज्यादा होगी, मतलब गैस के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे, दूर दूर भाग रहे होंगे, रिपल्शन है। जी हाँ, गैस के पार्टिकल दूर दूर भागेंगे, कंटेनर की वॉल के साथ अगर जोरदार कोलिजन कर रहे होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। हाँ, आपस में रिपल्शन होगी तो दूर भागेंगे, तो कंटेनर की वॉल के साथ जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा। आपस में यार अट्रैक्शन हो गई तो प्रेशर कम एग्जर्ट कर पाएंगे, रिपल्शन होगी, दूर दूर ज्यादा भाग रहे होंगे, तो ऐसे केस में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होगी। रियल गैस का प्रेशर ज्यादा, इसका क्या मतलब है? दैट मींस रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगी। इस बात को शानदार अंदाज में ग्राफिकली ऐसे देखा जा सकता है। ध्यान से देखिए, पी वर्सेस वी ग्राफ आपके सामने है। पी वर्सेस वी ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्लॉट किया जाए तो आइडियल गैस के केस में देखिए ये वाला ग्राफ मिलता है। ये वाला हाइपरबोलिक कर्व किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए है। मतलब आइडियल गैस के केस में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करने पर पीवी कांस्टेंट मिलता है। पी वी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। पी ज्यादा है कब? जब वी कम है। और देखिए पी कम है कब? जब वी ज्यादा है। यानी पीवी कांस्टेंट मिल रहा है, पीवी कांस्टेंट मिल रहा है, और ये हमें हाइपरबोलिक कर्व यहां से मिल पाएगा। ये आइडियल गैस के लिए है। किसके लिए? ये आइडियल गैस के लिए है। अब बात की जाए रियल गैस की, तो देखिए
रियल गैस के लिए कैसा कर्व मिल रहा होगा? होगा ये भी इसी टाइप का, लेकिन 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 प्रेशर कम हुआ। प्रेशर कम हुआ कब? जब वॉल्यूम ज्यादा होगी, हाँ तभी तो प्रेशर कम होगा। तो हम देखिए आगे चलेंगे, अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो वॉल्यूम कम होगी, मतलब हम पीछे चलेंगे। ठीक है, वॉल्यूम कम यार पीछे जाने पर ही तो होगी, पीछे जाने पर ही देखिए ग्राफ की हाइट ज्यादा मिल रही है। और प्रेशर कम कब होगा? जब वॉल्यूम ज्यादा होगी, मतलब आगे जाने पर ही देखिए ग्राफ की हाइट कम मिल रही है, ज्यादा वॉल्यूम पर कम प्रेशर मिलता है। ये क्लियर है कि नहीं? चलिए ये तो क्लियर है। अब देखना, कुछ वॉल्यूम की रेंज तक हमें रियल गैस का प्रेशर ज्यादा मिलता है आइडियल गैस के प्रेशर से, और कुछ वॉल्यूम की रेंज में हमें इसका रिवर्स मिलता है। ऐसा क्यों? ये ग्राफ नीचे क्यों चला गया आप भी सोच रहे होंगे। देखिए इससे पहले इस तरफ हम आएंगे, जब रियल गैस का ग्राफ ऊपर मिल रहा है इस पर हम कमेंट करना चाहेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है, एक सेम वॉल्यूम पर कंपैरिजन किया जाए, एक सेम वॉल्यूम पर कंपैरिजन किया जाए, रियल गैस का जो प्रेशर है, रियल गैस का जो प्रेशर है ये ज्यादा है और आइडियल गैस का प्रेशर कम है। ये देख लो, ये पी आइडियल है। कम वॉल्यूम पर कंपैरिजन किया जाए तो रियल गैस का प्रेशर ज्यादा है, आइडियल गैस का प्रेशर कम है। सेम वॉल्यूम पर कंपैरिजन हमने किया है, जब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कम है तब हमने कंपैरिजन किया है, तब क्या मिलता है? रियल गैस का प्रेशर ज्यादा मिलता है, आइडियल गैस का प्रेशर कम मिलता है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है पी रियल वी रियल बाय पी आइडियल वी आइडियल। अब वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा। हाँ वॉल्यूम सेम है, इसे कैंसिल हो जाएगा। और यहां देखिए रियल गैस का प्रेशर ज्यादा मिलता है, आइडियल गैस का प्रेशर कम मिलता है, मतलब जेड जो होगा ये ग्रेटर देन वन होगा। रियल गैस का प्रेशर ज्यादा मिलने की वजह से जेड यार वन से ग्रेटर होगा, जेड वन से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कम वॉल्यूम पर यार पार्टिकल पास रहे होंगे, वॉल्यूम कम होगी पार्टिकल पास रहे होंगे, जितने स्पेस में ये पार्टिकल रह ही नहीं सकते, अगर यार उतने स्पेस तक आप वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहोगे तो क्या होगा? फिर पार्टिकल यार एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जितने स्पेस में पार्टिकल्स आराम से बिंदास रह सकते थे, आपने उससे स्पेस कम कर दिया तो क्या होगा यार? ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो एक दूसरे को यार डिशुम डिशुम कर रहे होंगे, पार्टिकल्स में तो यार रिपल्शन होगी। एक बेंच पर तीन बच्चे बैठ सकते हैं, अगर पांच को बैठाएंगे तो क्या होगा? इधर वाला इधर गिर जाएगा, उधर वाला उधर गिर जाएगा, यही तो होगा। क्या स्टेबल होंगे पांच के पांच लोग? जिस बेंच की कैपेसिटी तीन लोगों की है उस पर पांच को बैठाओगे तो क्या होगा? एक उधर लटक रहा होगा, एक उधर, और बीच वाले भी परेशान होंगे और रिपेल कर रहे होंगे, दूर दूर धकेल रहे होंगे, अरे नहीं गर्मी हो गई है, घुटन हो रही है, ऐसा ही तो होगा। तो यार कंटेनर में जितना स्पेस होना चाहिए था उससे कम स्पेस अगर हमने बना दिया है वॉल्यूम को डिक्रीज करते हुए, तो यही तो होगा, डिशुम डिशुम कर रहे होंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो ऐसे केस में प्रेशर ज्यादा मिल रहा होगा, रियल गैस का प्रेशर ज्यादा मिल रहा होगा। जी हाँ, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम जो है ये कम है, तो ऐसे केस में जेड जो है ये ग्रेटर देन वन मिलेगा। वॉल्यूम कम है तो ऐसे केस में जेड ग्रेटर देन वन मिलेगा, मतलब पार्टिकल्स के बीच रिपल्शन होगी, रिपल्शन इज डोमिनेंट। क्या होगा ऐसे केस में? रिपल्शन जो है ये डोमिनेंट होगी। ठीक है, तो इसलिए यार रियल गैस का जो ग्राफ है ये ऊपर मिल रहा है, कम वॉल्यूम में यार रिपल्शन पार्टिकल्स के बीच होगी, तो इसलिए ग्राफ ऊपर मिल रहा है, जिस वजह से प्रेशर एग्जर्टेड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर वॉल्यूम को हम लार्ज बना दें, वी इज लार्ज, तो ऐसे केस में क्या होगा? हाई वॉल्यूम हुई तो क्या होगा ऐसे केस में? ऐसे केस में देखिए क्या होगा, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं क्या होगा? अगर वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो ऐसे केस में यार
पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, हाँ पहले के कंपैरिजन में दूर जाएंगे पार्टिकल्स, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक पार्टिकल जब रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो ऐसे केस में अट्रैक्शन भी होगी। हाँ अट्रैक्शन होगी, दूर दूर तो जाएंगे ही, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे उस स्पेस में, तो बिंदास पार्टिकल्स रह सकते हैं। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा होगा, दैट अट्रैक्शन इज वैंडरवॉल अट्रैक्शन। क्या होगी? वैंडरवॉल अट्रैक्शन होगी। जब वॉल्यूम को हम इंक्रीज कर रहे होंगे तो यार उनको स्पेस मिल जाएगा उछल कूद मचाने के लिए, तो अब उनके बीच इंट्रैक्शन तो होगी, वह इंट्रैक्शन वैंडरवॉल इंट्रैक्शन होगी, जिस वजह से जेड हमें यार डेफिनेटली लेस देन वन ही मिलेगा। अगर इंट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को खींच रहा होगा, तो ऐसे केस में तो यार कम प्रेशर एग्जर्ट हो पाएगा। ध्यान से देखिए, देखिए ज्यादा वॉल्यूम पर, यहां तो वॉल्यूम कम थी तो रियल गैस का प्रेशर ज्यादा था। आगे देखिए, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगी तो देखिए आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा है। ध्यान से देख लो, आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा है। ये कर्व आइडियल गैस के लिए है और ये प्रेशर आइडियल गैस का प्रेशर है, और ये देखिए ये प्रेशर रियल गैस का प्रेशर है, ये प्रेशर रियल गैस का प्रेशर है, ये प्रेशर रियल गैस का प्रेशर है। तो यहां देखिए जेड का फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा होगा, जेड इज इक्वल टू पी रियल बाय पी आइडियल। सेम वॉल्यूम पर हमने एक बार फिर से बात की है, यहां देखिए आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा मिल पाया है, रियल गैस का प्रेशर कम मिल पाया, मतलब जेड लेस देन वन है। इस वॉल्यूम से अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे होंगे तो पार्टिकल यार बिंदास हो जाएंगे और पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब अगर पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जेड लेस देन वन मिल रहा होगा, रियल गैस का प्रेशर कम मिल रहा होगा, इसका मतलब यहां अट्रैक्शन अट्रैक्शन इज डोमिनेंट डोमिनेंट। अगर वॉल्यूम की एक रेंज तक रिपल्शन डोमिनेंट है तो रियल गैस का ग्राफ ऊपर मिल रहा है, रियल गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, और वॉल्यूम को बढ़ाने पर अगर अट्रैक्शन डोमिनेंट मिल रही है तो रियल गैस का ग्राफ यार नीचे मिलेगा आइडियल गैस के ग्राफ से, यानी रियल गैस का जो प्रेशर है ये कम मिल रहा होगा। आई होप आपने यार इस ग्राफ को अंडरस्टैंड कर लिया है। वॉल्यूम कम हुई तो जेड ग्रेटर देन वन है, वॉल्यूम ज्यादा हुई तो जेड लेस देन वन है, इसलिए ग्राफ ये ऊपर नीचे मिल रहा है। कम वॉल्यूम रेंज में ग्राफ आपको ऊपर मिल रहा रियल गैस का, और वॉल्यूम को इंक्रीज करने पर रियल गैस का ग्राफ यार अट्रैक्शन की वजह से नीचे मिल रहा है। जेड से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, ये तो जेड के आपने फॉर्मूलाज नोट कर लिए होंगे, ठीक है, ये तो आपने जेड के फॉर्मूलाज नोट कर लिए होंगे कि नोट कर लिए हैं। अगर आपने ये तीनों ही फॉर्मूलाज देख लिए हैं तो देखिए इनसे रिलेटेड ढेर सारी बातचीत हमारी यहां पर होगी। पॉइंट नंबर वन, फॉर आइडियल गैस जेड इज इक्वल टू वन, हां जेड वन के इक्वल हुआ तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होगा, जेड वन के इक्वल हुआ तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मिल रहा होगा, मतलब आइडियल गैस बिहेवियर फॉलो हो रहा होगा अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। द डेविएशन ऑफ जेड फ्रॉम यूनिटी इज मेजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। बिल्कुल सही बात है, जेड वन से अगर डेविएट करेगा, जेड नॉट इक्वल टू वन होगा तो मतलब पीवी नॉट इक्वल टू एनआरटी होगा, मतलब गैस Does not follow ideal gas behavior. Ideal gas behavior. ऐसे केस में गैस आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रही है। अगर गैस आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रही है, यानी यार डेविएशन होगा आइडियल बिहेवियर से, जेड की वैल्यू वन से यार जितनी ज्यादा डिफर कर रही है उतना ही ज्यादा डेविएशन मिल रहा है। ज्यादा डेविएशन हुआ तो जेड की वैल्यू ज्यादा डिफर कर रही होगी जेड इज इक्वल टू वन से, अगर यार कम डेविएशन होगा तो जेड की वैल्यू जेड इज इक्वल टू वन से कम डिफर कर रही होगी। मामला क्लियर है? हाँ, जेड वन हुआ तो देखिए बिंदास अंदाज में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एप्लीकेबल है।
और देख लो जेड वन के इक्वल है, तो ऐसे केस में जेड वर्सेस पी ग्राफ कैसा मिलेगा? जेड वन के इक्वल है तो जेड वर्सेस पी ग्राफ की बात की जाए, जेड इज इक्वल टू वन, तो जेड वर्सेस पी ग्राफ की बात की जाए तो जेड वर्सेस पी ग्राफ देखिए ऐसा मिलेगा, यहां जेड इज इक्वल टू वन है, जेड इज इक्वल टू वन है और ये ग्राफ होगा जेड वर्सेस पी ग्राफ। ठीक है, तो याद देखिए गैस का जो बिहेवियर है ये आइडियल बिहेवियर है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एप्लीकेबल है, गैस बिहेव्स आइडियली, आइडियली आप ऐसे बोल सकते हैं। चले आगे, चलिए अगर ये बातचीत हमारी क्लियर हो गई है तो आगे चलते पॉइंट नंबर टू की बात करते हैं। एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर ऑल गैसेस, एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर ऑल गैसेस आर नोन टू हैव जेड क्लोज टू यूनिटी, मींस गैसेस बिहेव ऑलमोस्ट आइडियली। यहां बोला गया है अगर यार वॉल्यूम काफी ज्यादा हुई, प्रेशर काफी कम हुआ, प्रेशर काफी कम हुआ, पी टेंडिंग टू जीरो हुआ, वी जो है ये वेरी लार्ज है, वेरी लार्ज है, तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था दोनों करेक्शन टर्म्स को ही खलास कर दिया जाएगा, दोनों करेक्शन टर्म्स को ही हटा दिया जाएगा अगर ऐसा हुआ, मतलब p प्लस एन स्क्वेयर ए बाय वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, या दोनों ही करेक्शन टर्म्स को हम उड़ा देंगे, इसको भी उड़ा देंगे, इस करेक्शन टर्म को भी हम उड़ा देंगे, ऐसा होगा तो इस करेक्शन टर्म को भी हम उड़ा देंगे, ऐसा कर देंगे तो देखिए क्या मिल रहा होगा। ऐसा करने के बाद हमें p इंटू वी इज इक्वल टू nRT, z इज इक्वल टू pv बाय nRT इज इक्वल टू ये 1 मिल जाएगा। देख लो pv इज इक्वल टू nRT मिल रहा होगा, मतलब pv बाय nRT 1 के इक्वल मिल रहा होगा, तो ऐसे केस में हमें z 1 मिल रहा होगा, ये z है, ये देख लो ये हमें 1 के इक्वल मिल रहा होगा। कोई भी गैस हो p टेंडिंग टू 0 की कंडीशन है तो यहां पर z देखिए 1 को अप्रोच कर रहा है और गैस का बिहेवियर आइडियल होगा। ठीक है, z वर्सेस p ग्राफ हायर प्रेशर रेंज में चाहे कैसा भी हो लेकिन स्टार्ट कहां से होगा, z इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। अगर ग्राफ प्लॉट किए गए, अगर ग्राफ प्लॉट किए जाए ठीक है z वर्सेस p किसके लिए, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए, मान लेते हैं z इज इक्वल टू 1 है, यहां z इज इक्वल टू 1 है ठीक है, और यहां देखिए p वेरी हो रहा है, इस तरफ p वेरी हो रहा है और इस तरफ z वेरी हो रहा है और हम स्टार्ट कर रहे हैं z इज इक्वल टू 1 से, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं z इज इक्वल टू 1 से, तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ग्राफ ऐसा मिलता है, ये ग्राफ H2 के लिए मिलता है, ये ग्राफ हीलियम के लिए मिलता है, ये वाला ग्राफ मिलता है इस प्रकार से, इसके लिए मिलता है, ये वाला ग्राफ मिलता है O2 के लिए ठीक है, ये वाला ग्राफ मिलता है CH4 के लिए ठीक है, ये वाला ग्राफ किसके लिए मिलता है, ये वाला ग्राफ CH4 के लिए मिलता है, CH4 के लिए मिलता है, ये वाला ग्राफ अमोनिया के लिए मिलता है, अमोनिया के लिए मिलता है ठीक है। आप ये मत देखिए कि ग्राफ इस प्रकार से क्यों मिल रहे हैं, आप बस ये देखिए ग्राफ स्टार्ट कहां से हुए हैं, आप इन ग्राफ को नोट कर लो, O2 के लिए जो ग्राफ मिलता है देखिए ऐसा मिलता है, O2 के लिए ऐसा ग्राफ मिलता है, CH4 के लिए ऐसा मिलता है, अमोनिया के लिए ग्राफ ऐसा मिलता है, O2 के लिए ये, CH4 के लिए और ये अमोनिया के लिए। आप ये मत देखिए ग्राफ ऐसे ही क्यों, आप ये देखिए कि ग्राफ z इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुए कि नहीं हुए, जी हाँ सभी ग्राफ देखिए z इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुए हैं, सभी यहां से स्टार्ट हुए जब p टेंडिंग टू 0 है, तो ऐसे केस में ये दोनों के दोनों करेक्शन टर्म यहां से गायब हो जाएंगे, pv nRT के इक्वल मिल जाएगा, pv by nRT 1 मिल जाएगा, मतलब z 1 मिल जाएगा, p टेंडिंग टू 0 पर देखिए z की वैल्यू 1 मिल रही होगी, सभी गैसेस का बिहेवियर आइडियल बिहेवियर मिल रहा होगा, इसमें कोई डाउट। अब हम ये देखेंगे हाइड्रोजन हीलियम का ग्राफ ऊपर ही क्यों मिलता है और ये ग्राफ ऐसे ही क्यों मिलते हैं,
ठीक है, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो टेंशन मत लो, सारी बातचीत होगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपसे जरूर बनेगा। एट मॉडरेटली लो प्रेशर, अगर मॉडरेट प्रेशर होगा, जब जेड लेस देन वन होगा, हाँ मॉडरेट प्रेशर पर जेड लेस देन वन होगा, दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेंट। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेंट होंगी तो यार ये कंप्रेशन को फेवर कर रहा होगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो ये कंप्रेशन को फेवर कर रहा होगा। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड गोज ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन प्रेशर, जेड जो है यार डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है ना, पासिस थ्रू ए मिनिमम एट सर्टेन स्टेज, किसी पर्टिकुलर स्टेज तक आपको ये डिप मिलता जाएगा, एंड देन बिगिंस टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, उसके बाद प्रेशर बढ़ाने पर यानी ग्राफ ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होगा, तभी तो डिप मिल पाएगा, पहले ग्राफ नीचे जाएगा फिर ग्राफ ऊपर जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होगी तो जेड लेस देन वन मिल रहा है, और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करने पर और ज्यादा प्रेशर को बढ़ाने पर क्या होगा, ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ जाएगा, क्यों, ज्यादा प्रेशर देखिए इंक्रीज करने पर क्या होगा, रिपल्शन डोमिनेंट हो जाएगी, हाँ पार्टिकल उतने स्पेस में रह नहीं सकते, आप जबरदस्ती उनके साथ कर रहे हो तो क्या होगी, फिर रिपल्शन होगी तो ग्राफ यार ऊपर जाएगा। हाँ रिपल्शन के केस में जेड जो है ये ग्रेटर देन वन मिलता है। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, जेड वर्सेस पी ग्राफ ड्रॉ किया जाए, जेड वर्सेस पी ग्राफ ड्रॉ किया जाए, ये क्या है, ये जेड इज इक्वल टू वन है, O2 गैस के लिए, मिथेन गैस के लिए, CO2 गैस के लिए, अमोनिया गैस के लिए ग्राफ जो है यार ऐसा मिलता है। ऐसा क्यों मिलता है, इस ग्राफ की बात करनी है। देखिए हमारे पास P+N²a/V² (V-NB=nRT) ये है। अगर प्रेशर मॉडरेट है, मॉडरेटली लो प्रेशर है, ये तो यार इस करेक्शन टर्म से काफी बड़ी होगी वॉल्यूम, हाँ कंटेनर की वॉल्यूम तो यार मॉडरेटली लो प्रेशर पर काफी ज्यादा होगी, और ये करेक्शन टर्म जो एन बी है इसकी वैल्यू तो स्मॉल होगी, जो बी है ये ए से यार ए से बहुत छोटा होता है बी, ठीक है ना, ये रिलेशन होता है ए एंड बी का, ए से बी बहुत छोटा मिलता है, तो मॉडरेटली लो प्रेशर पर वॉल्यूम काफी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो आप यार इसको उड़ा सकते हैं, हाँ इसको उड़ा सकते हैं। अगर हम इसको उड़ा दें तो देखना क्या मिल रहा होगा, एक काम करो इस V को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, यहां से मिल रहा होगा PV प्लस इसे मल्टीप्लाई होगा V, N²a/V इज इक्वल टू NRT, ये मिल रहा होगा। अब एक काम करो NRT को यहां नीचे भेज दो, ठीक है, NRT को यहां भी नीचे भेज दो, तो यहां से क्या मिल रहा होगा, NRT को यार यहां नीचे भेज दो, यहां भेज दो, तो इससे क्या मिल रहा होगा, PV/NRT + N²a/V, और यहां अगर NRT को नीचे भेज दोगे तो इक्वल टू वन, N से पावर टू देखिए कैंसिल हो जाएगी, क्लियर है, और ये देखिए यहां से जेड मिलता है, क्या मिलता है, जेड मिलता है, जेड इज इक्वल टू वन माइनस NA/RTV, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ध्यान से देख लो, मैंने कुछ नहीं किया, PV/NRT का एक्सप्रेशन बनाया मैंने, और मैंने क्या देखा, जेड इज इक्वल टू वन माइनस NA/RTV, हमें ऐसा मिलता है। ये सारी अगर पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं तो ऐसे केस में जेड वन माइनस कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ठीक है, यानी जेड की वैल्यू वन से लेसर होगी, जेड लेस देन वन है मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेंट है, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। आगे देखिए अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है, जेड लेस देन वन है, तो ग्राफ यार नीचे जाता जाएगा, डिप मिल रहा होगा। प्रेशर को अगर हम यार इंक्रीज करेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, और प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो यार अट्रैक्शन एक लिमिट तक ही मैक्सिमम मिल पाएगी, उसके बाद यार अट्रैक्शन कम होने स्टार्ट हो जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी प्रेशर को बढ़ाते बढ़ाते, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब यार
रिपल्शन लगनी स्टार्ट हो जाएगी और रिपल्शन इंक्रीज होगी तो यार ग्राफ ऊपर की तरफ मिल रहा होगा, मतलब जेड ग्रेटर देन वन हो जाएगा। तब क्या होगा, रिपल्शन लगनी स्टार्ट हो जाएगी, जब बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे रिपल्शन लगनी स्टार्ट हो जाएगी तो जेड मोर देन वन मिलेगा, और प्रेशर बढ़ाने पर ये रिपल्शन बढ़ती जाएगी तो ऐसे केस में जेड भी देखिए इंक्रीज होता जाएगा, ग्रेटर देन वन तो होगा ही साथ में इंक्रीज भी होता जाएगा, प्रेशर बढ़ाने पर जेड यार कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा होगा, तो ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ जाता जाएगा। आगे देखिए, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द प्रेशर जेड इंक्रीजेस, इट बिकम्स मोर देन वन एट हाई प्रेशर एज दे आर लेस कंप्रेसिबल। अगर रिपल्शन डोमिनेंट है तो ऐसे केस में यार गैस का कंप्रेशन आसान नहीं होगा, ऐसे केस में गैस लेस कंप्रेसिबल हो जाएगी, गैस तो यार एक्सपेंड करना चाहेगी। जेड ग्रेटर देन वन का क्या मतलब है, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे ग्राफ ऊपर जाएगा, जेड ग्रेटर देन वन का मतलब है रिपल्शन इज डोमिनेंट, रिपल्शन डोमिनेंट है मतलब यहां पर यार गैस जो है कंप्रेस नहीं बल्कि गैस तो एक्सपेंड होना चाहिए, गैस टेंड्स टू एक्सपेंड, ठीक है ना, गैस तो यार एक्सपेंड होना चाहिए, रिपल्शन है धक्का मुक्की हो रही है पार्टिकल्स की, अट्रैक्शन तो है नहीं, तो ऐसे केस में तो यार ज्यादा प्रेशर गैस एग्जर्ट कर रही होगी, ऐसे केस में तो गैस एक्सपेंड होना चाहिए, ठीक है, गैस एक्सपेंड होना चाहिए मतलब गैस बिकम्स लेस कंप्रेसिबल, गैस यार कम कंप्रेसिबल हो गई है, गैस जो है कम कंप्रेसिबल हो गई है हाई प्रेशर रेंज में। केस को मैथमेटिकली भी देखा जा सकता है, जी हाँ थियोरेटिकली तो आप डील कर ही सकते हो, मैथमेटिकली भी आप डील कर पाओगे अगर आपको यह पता होगा पी प्लस एन स्क्वेयर ए बाय वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। ध्यान से देख लो, प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर के केस में यार इस हाई प्रेशर के केस में अगर ये पी ज्यादा है तो प्रेशर करेक्शन टर्म को इग्नोर किया जा सकता है, अगर ये प्रेशर ज्यादा है तो इसको इग्नोर कर पाएंगे, हाई प्रेशर वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है तो कम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, इसको ही इग्नोर कर पाएंगे, हाई प्रेशर के कंपेरिजन में इसको इग्नोर कर पाएंगे, कम वॉल्यूम है तो इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो यहां से देखिए पीवी बाय एनआरटी क्या मिलता है, काम करो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, यहां से पता चल पाएगा क्या मिलता है, P into V, ठीक है P into V, ये P इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा माइनस PNB मिल रहा होगा इज इक्वल टू NRT, ये काम करो NRT को इस तरफ ले आओ तो PV by NRT माइनस PNB by NRT इज इक्वल टू 1, यानी ये तो Z का एक्सप्रेशन मिलता है, हाँ Z इज इक्वल टू 1 प्लस समथिंग, ठीक है ना, ये क्या एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो कि वन में ऐड हो रही है। तो आपने क्या देखा, जब प्रेशर ज्यादा है तो जेड यार ग्रेटर देन वन है, मतलब ये रिपल्शन को इंडिकेट कर रहा है, अगर यार ये रिपल्शन को इंडिकेट कर रहा है तो उसका ग्राफ देखिए कैसा मिलेगा, ग्राफ देखिए जेड वर्सेस पी ग्राफ देखिए, हाई प्रेशर है, आगे चलेंगे तो क्या मिल रहा है, हाई प्रेशर रीजन मिल रहा है, हाई प्रेशर है तो ऐसे केस में जेड जो है ये ग्रेटर देन क्या है, जेड जो है ग्रेटर देन वन है, ज्यादा प्रेशर है तो रिपल्शन लगेगी, रिपल्शन लग रही है, मैथमेटिकली हमें क्या मिल रहा है, जेड जो है ये ग्रेटर देन वन मिल रहा है, यानी ग्राफ जेड इज इक्वल टू वन वाली लाइन से ऊपर मिलेगा अगर रिपल्शन डोमिनेंट है, अगर ये रिपल्शन डोमिनेंट है ग्राफ जेड इज इक्वल टू वन वाली लाइन से ऊपर मिल रहा होगा, क्लियर है, ग्राफ नीचे क्यों जाएगा, यार लो प्रेशर रेंज में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होती है तो अट्रैक्शन की वजह से जेड लेस देन वन होगा, ठीक है, उसके बाद ये ग्राफ ऊपर की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करने पर पार्टिकल्स इतने पास आ जाएंगे, उस स्पेस में पार्टिकल्स रहना नहीं जाएंगे, धक्का मुक्की एक दूसरे के साथ कर रहे होंगे, तो यार ये दूर जाना चाहेंगे, दूर जाना चाहेंगे मतलब यहां रिपल्शन लग रही, रिपल्शन लग रही तो ग्राफ यार ऊपर ही तो जाएगा, जेड मोर देन वन हो जाएगा हाई प्रेशर रीजन में तो ग्राफ ऊपर ही तो जाएगा, ये तो जेड इज इक्वल टू वन है तो इसे ऊपर मिल रहा होगा ग्राफ, ठीक है,
तो यानी ये जेड ग्रेटर देन वन रिपल्शन को इंडिकेट कर रहा है। ग्राफ का ऊपर जाना ये रिपल्शन को इंडिकेट कर रहा है, रिपल्शन का अंदेशा है। ठीक है, तो आगे देखिए पॉइंट नंबर 5 देखिए, द डिप इन द कर्व बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एज टेम्परेचर इज रेज्ड। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे जो डिप है ये छोटा 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 होता जाएगा। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ग्राफ बिकम्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल फॉर एन एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, फॉर एन एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर दैट टेम्परेचर इज कोल्ड, दैट टेम्परेचर इज कोल्ड, बॉयल्स टेम्परेचर, बिकॉज इन दिस रेंज बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल, इन दिस रेंज बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल। क्या कहना चाहता हूं देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या बयां करना चाहता हूं, किसी भी गैस के लिए अगर आप जेड वर्सेस पी ग्राफ आप ड्रॉ करना चाहते हैं, ये जेड इज इक्वल टू वन है। देखिए अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी वन पर ग्राफ ऐसा मिल रहा है, ये ग्राफ टी वन टेम्परेचर पर है, ध्यान से सुनना, कब है ग्राफ टी वन टेम्परेचर पर, आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इसका क्या मतलब है, अट्रैक्शन कम हो जाएगी। आप पहले जो लोअर टेम्परेचर पर अट्रैक्शन थी, अब यार अट्रैक्शन कुछ एक्सटेंट में और कम हो जाएगी। हाँ, ज्यादा टेम्परेचर पर कम अट्रैक्शन मिल रही होगी, ज्यादा टेम्परेचर पर तो यार इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कम हो जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो देखिए डिप था ये कम हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो जाएगी। एट हायर टेम्परेचर अट्रैक्शन बिकम्स लेसर, तो ये देखिए हायर टेम्परेचर टी टू पर ये हाल होगा, अट्रैक्शन कम होगी तो डिप कम हो जाएगा। ये ज्यादा बड़ा डिप क्या इंडिकेट करता है, ये जो डिप है, ये जो डिप है ये ज्यादा कब होगा, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, अट्रैक्शन कम होगी तो डिप क्या हो जाएगा, डिप भी कम हो जाएगा। तो हायर टेम्परेचर पर अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो डिप भी कम हो जाएगा। टेम्परेचर को हम और इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, T3 टेम्परेचर पर देखना डिप और कम हो जाएगी, T3 टेम्परेचर पर डिप और कम हो जाएगी। और जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते जाएंगे, लगातार बढ़ाते जाएंगे, डिप और छोटू 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 होते 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 एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये हाल हो जाएगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉयल्स टेम्परेचर पर ये हाल हो जाएगा, बॉयल्स टेम्परेचर पर ये हाल हो जाएगा। ग्राफ बिकम्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल फॉर एन एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, यानी यहां पर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है, पीवी जो है ये कांस्टेंट है। यहां देखिए पीवी कांस्टेंट है, कैसे पता, देखिए जेड वन के इक्वल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहां जेड वन के इक्वल है, मतलब पीवी बाय एनआरटी ये वन के इक्वल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब पीवी क्या हो गया, पीवी कांस्टेंट हो गया, जेड वन के इक्वल है, पीवी कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे डिप कम होता जाएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यार ऐसा मिल रहा होगा जहां ग्राफ ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा फॉर एन एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर की कुछ रेंज तक। ठीक है, जहां देखिए बॉयल्स लॉ इस प्रकार से शानदार अंदाज में एप्लीकेबल होगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर है। तो आपको बता दूं ये जो बॉयल्स टेम्परेचर है जब विरियल फॉर्म से फाइंड किया जाएगा, ठीक है, बॉयल्स टेम्परेचर टीबी इज ए अपॉन आरबी, फर्स्ट विरियल कोफिशियंट से मिल रहा होगा, कितना मिल रहा होगा, ए अपॉन आरबी मिल रहा होगा। क्या इसकी कैलकुलेशन की जाए, हाँ करेंगे, विरियल फॉर्म को जब हम जानेंगे, विरियल फॉर्म को जानेंगे तब इसकी हम डिटेल में बातचीत कर रहे होंगे, विरियल फॉर्म क्या है करेंगे बात। फिलहाल लास्ट पॉइंट देख लो, जेड वर्सेस पी से रिलेटेड, यार लास्ट पॉइंट देख लो, पॉइंट नंबर 6 आपके सामने, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, ध्यान से सुनिए, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जेड इज ग्रेटर देन वन, बिल्कुल सही सुना है, हाइड्रोजन हीलियम का होता स्पेशल केस, जेड देखिए यहां तो वन के इक्वल है, लेकिन हाइड्रोजन का ग्राफ यहां मिलता है, हीलियम का ग्राफ यहां मिलता है, हाइड्रोजन जो है लेस कंप्रेसिबल है, हाइड्रोजन के लिए जेड यार और ज्यादा है। यहां देखिए
हीलियम के लिए जेड जो है रिलेटिवली कम है, लेकिन जेड ग्रेटर देन वन है। हाँ, दोनों के लिए यार जेड ग्रेटर देन वन है, जेड इज इक्वल टू वन वाली लाइन से तो ग्राफ इन दोनों के ऊपर ही मिल रहे हैं। हाइड्रोजन हीलियम का ग्राफ जेड इज इक्वल टू वन वाली लाइन से ऊपर मिल रहा है, मतलब इन दोनों के लिए जेड ग्रेटर देन वन है। फिर भी कंपेरिजन करने पर हाइड्रोजन का जेड क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। ठीक है, यहां देखिए ज्यादा एटम है तो रिपल्शन ज्यादा डोमिनेंट होगी, आने क्लियर है, तो इसलिए हाइड्रोजन का ग्राफ हीलियम से ऊपर मिलता है। और पी प्लस एन स्क्वेयर ए बाय वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, इनके स्मॉल साइज की वजह से जो ये वाली टर्म है प्रेशर करेक्शन टर्म, इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि अट्रैक्शन तो यहां डोमिनेंट हो नहीं सकती है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर यहां देखिए अट्रैक्शन तो डोमिनेंट हो नहीं सकती है, इनके स्मॉल साइज की वजह से उतनी ज्यादा अट्रैक्शन कहां होगी, अट्रैक्शन तो डोमिनेंट होगी नहीं इस केस में कि जेड लेस देन वन हो जाए, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने के बाद देखिए क्या मिल रहा होगा, ये मैंने आपको एप्लीकेबिलिटी ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन में भी बताया था, इसको हाइड्रोजन और हीलियम के केस में हम इग्नोर कर देंगे। अनटिल और अनलेस टेम्परेचर काफी कम ना दिया हो तब तक हम यार इसको इग्नोर करते चलेंगे। और देखिए यहां से क्या मिल रहा होगा, पी के साथ मल्टीप्लाई करना इसको, पी वी माइनस पी एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, दोनों तरफ एन आर टी से डिवाइड कर दो, पी वी बाय एन आर टी माइनस पी एन बी बाय एन आर टी इज इक्वल टू वन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, मतलब जेड इज इक्वल टू वन प्लस पी बी बाय आर टी, वन प्लस पी बी बाय आर टी, मतलब यार जेड जो है ये मिलता है ग्रेटर देन वन। हाँ, मैं भी यही बोल रहा हूं, मोलिकुलर साइज इनके कम मिलने की वजह से यहां देखिए ये वाली जो टर्म है ये नेगलेक्ट हो जाएगी, इंट्रैक्शन काफी कम होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट नहीं होगी इस केस में तो यार जेड ग्रेटर देन वन मिल रहा होगा, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होगी जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो ये गैसेस कम कंप्रेसिबल होंगी, हाउएवर लेकिन 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 ये वाली बात सुनिए, इफ टेम्परेचर इज सिग्निफिकेंटली लो, अगर इनके लिए टेम्परेचर को काफी कम कर दिया जाए तो क्या होगा, टेम्परेचर इज सिग्निफिकेंटली लो बिलो -48 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर हाइड्रोजन एंड बिलो -242 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर हीलियम, ये नोबल गैस है और कम टेम्परेचर हमें करना होगा, अगर इनके बीच अट्रैक्शन को एग्जिस्ट करना है तो इसके लिए टेम्परेचर तो कम होना चाहिए, तभी तो इंट्रैक्शन हो पाएगी, तभी तो इनके बीच में हलचल कम होगी तो इंट्रैक्शन ज्यादा होगी। हाँ, तभी ज्यादा इंट्रैक्शन हो सकती है जब टेम्परेचर को हम सिग्निफिकेंटली लो बना दें, हाइड्रोजन के लिए -48 डिग्री सेंटीग्रेड और यार प्रैक्टिकल डेटा कहता है हीलियम के लिए -242 डिग्री सेंटीग्रेड। दीज गैसेस ऑल्सो गिव सेम टाइप ऑफ जेड वर्सेज पी ग्राफ एज गिवन बाय अदर गैसेस, यहां जो दूसरे गैसेस के जेड वर्सेस पी ग्राफ मिल रहे थे, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर इन गैसेस के लिए हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसेस के लिए भी जेड वर्सेस पी ग्राफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर ऐसे मिल रहे होंगे। ऐसा कब होगा, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर होगा, बिल्कुल सही सुना है, टेम्परेचर अगर एक्सट्रीमली लो होगा तो ऐसा तभी मिल रहा होगा, नोट कर लो इसको। और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर कितना हो सकता है इसकी पूरी डिटेल आपके सामने है, एक्सपेरिमेंटल डेटा आपसे शेयर किया गया है। हाँ, रूम टेम्परेचर या फिर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड की बात की जाए, ऐसा कोई टेम्परेचर हुआ तो ऐसे केस में यार ये ग्राफ ऊपर ही मिल रहे होंगे और अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट नहीं होगी। चले आगे, फिर ये कहानी आपको क्लियर है, ये जो बोल्स टेम्परेचर है टीबी इज इक्वल टू ए अपॉन आरबी, ये कैसे फाइंड किया जाएगा और वीरियल इक्वेशन क्या है, वीरियल इक्वेशन क्या है, देखिए इट इज जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ गैसियस स्टेट की ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है, ऑल अदर इक्वेशन वैन डर वाल इक्वेशन के अलावा और भी काफी सारी इक्वेशन होती हैं जो कि गैस के बिहेवियर के लिए डिस्क्राइब की गई हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैंने इन इक्वेशन को यहां पर इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन होती है। ऑल अदर इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, बाकी इक्वेशन को भी वीरियल फॉर्म में इंडिकेट किया जा सकता है, ये ज्यादा जनरलाइज्ड फॉर्म है, क्या आप मिलना चाहेंगे इस जनरलाइज्ड फॉर्म से, आप मिलना चाहेंगे तो देखिए, फॉर वन मोल ऑफ गैस,
फॉर वन मोल ऑफ रियल गैस, रियल गैस वी कैन अप्लाई, वी कैन अप्लाई वैन डर वाल गैस इक्वेशन लाइक दिस, पी प्लस एन स्क्वेयर ए बाय बी स्क्वेयर होता है लेकिन एन की वैल्यू वन है, तो यहां क्या मिल रहा ए बाय बी स्क्वेयर, ठीक है, इन टू वी माइनस एन बी, एन को वन पुट करेंगे मतलब वी माइनस बी, एन को वन पुट करेंगे एनआरटी की बजाय क्या लिखेंगे आर टी लिखेंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है तो एक काम कर लो, क्या कर दो भाई, इस केस में इस v माइनस बी को उस तरफ भेज दो, ठीक है, p प्लस ए बाय वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाय v माइनस बी, आर टी डिवाइडेड बाय v माइनस बी, और यहां से a बाय वी स्क्वेयर को आप यहां भेज दो, a बाय वी स्क्वेयर को आप यहां भेज दो, ठीक है, तो क्या मिल रहा होगा, देखिए p इज इक्वल टू आर टी बाय वी माइनस बी माइनस ए बाय वी स्क्वेयर, कहां क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम v बाय आर टी से इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, क्यों, ताकि z की फॉर्म मिल जाए, ताकि z इज इक्वल टू वन की कंडीशन हम अप्लाई कर पाए, ताकि हमें बोयल्स टेम्परेचर मिल पाए, हाँ जनरलाइज तो करेंगे ही साथ में इसकी बात भी कर रहे होंगे, बोयल्स टेम्परेचर टीबी की बात कर रहे होंगे, जब z इज इक्वल टू वन की कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो यहां से हमें बोयल्स टेम्परेचर मिल रहा होगा। तो देखिए यहां z की फॉर्म हमें करनी होगी इंट्रोड्यूस, इसके लिए v बाय आर टी से इसको मल्टीप्लाई किया, इस तरफ v बाय आर टी से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरफ भी v बाय आर टी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आर टी इंटू वी, नीचे क्या v माइनस बी है, v बाय आर टी से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए इसको भी v बाय आर टी से मल्टीप्लाई किया, v बाय आर टी से इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी देखिए v बाय आर टी से मल्टीप्लाई किया, यहां देखिए ये z की फॉर्म आपको मिलती है, z की फॉर्म मिलती है, rt से rt कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। एक काम भी किया जा सकता है, क्या, इस v को अंदर ले जाइए, मतलब यहां देखिए डिनोमिनेटर में यहां मिल रहा होगा वन बाय वी माइनस बी बाय, यहां देखिए ब्रैकेट के अंदर मिल रहा होगा, क्लियर है, v से पावर टू कैंसिल हो जाएगी, माइनस ए बाय आर टी वी, यहां से ये मिल रहा होगा, यहां देखिए इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो z इज इक्वल टू वन माइनस बी बाय वी रेज टू पावर माइनस वन, हाँ इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, माइनस ए बाय आर टी वी, इसको देखकर यार मुझे शानदार एक्सपेंशन याद आई है, क्या, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 की एक्सपेंशन होती है जब x 0 और 1 के बीच में लाई करता है, x जब यार 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो ऐसे केस में इसकी एक शानदार एक्सपेंशन होती है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एंड सोन, ये एक्सपेंशन मिलती है। तो यहां से देखिए इस एक्सपेंशन को अप्लाई करने के बाद क्या मिलता है, z इज इक्वल टू वन प्लस बी बाय वी, और देखना यहां v की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में v की पावर 1 है, तो एक काम कीजिए यहां भी डिनोमिनेटर में v की पावर 1 है, इसको यार इसके साथ ही लिख दो, माइनस ए बाय आर टी वी, ठीक है, मतलब आपने यार एक तो ये वाली टर्म लिखी है और इसके साथ में ये लिख दिया है, इसके साथ में मिलाकर आपने ये लिख दिया है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद देखिए ये वाली टर्म हम लिखने वाले हैं, x की वैल्यू ये है, मतलब ये वाली टर्म हो जाएगी बी स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर, ठीक है, यहां b बाय वी है तो यहां क्या मिलता है बी स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर, ठीक है, यहां क्या मिलता है बी क्यूब बाय वी क्यूब एंड सोन, ऐसा मिलता है, ठीक है, यहां देखिए जेड इज इक्वल टू वन प्लस 1 बाय वी कॉमन आ जाएगा बी माइनस ए बाय आर टी, बी माइनस ए बाय आर टी, 1 बाय वी कॉमन आ जाएगा प्लस बी स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब बाय वी क्यूब एंड सोन, ऐसा कुछ मिल रहा होगा, इसमें कोई डाउट, ये क्लियर है। ये देखिए ये आपको मिल गई है विरियल फॉर्म, जी हां ये विरियल फॉर्म है, दिस इज
जनरलाइज्ड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड विरियल फॉर्म, इसको बोलते हैं विरियल फॉर्म, ये विरियल फॉर्म है, ये विरियल फॉर्म है। ये देखिए, जो हायर पावर्स है इनको नेगलेक्ट किया जा सकता है, इनकी वैल्यू काफी कम होगी, हायर पावर्स को हम नेगलेक्ट कर पाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट विरियल कोफिशियंट किसको बोला जाएगा, फर्स्ट विरियल कोफिशियंट हम किसको बोल रहे होंगे, जल्दी से बता दो। मुझे लगता है फर्स्ट विरियल कोफिशियंट तो यार ये होगा फर्स्ट विरियल कोफिशियंट, या फिर ये होगा फर्स्ट विरियल कोफिशियंट, बोलो। अगर हम इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, तो आपकी नॉलेज में बता दूं फर्स्ट विरियल कोफिशियंट तो ये होगा। पहली टर्म तो ये है ना यार, ये तो दूसरी टर्म है, तो फर्स्ट विरियल कोफिशियंट ये होगा, ये जो बी, इसको बी मान लेंगे, ये मिस्टेक मत करना, इसको अगर सी मान लें, इस कोफिशियंट को सी मान लें और इस कोफिशियंट को डी मान लें, तो यहां पर ये जो b है ये सेकंड विरियल कोफिशियंट है, दिस इज कॉल्ड b इज सेकंड विरियल कोफिशियंट, सेकंड विरियल कोफिशियंट, हाँ पहली टर्म तो ये है, तो सेकंड विरियल कोफिशियंट होगा, ये सेकंड विरियल कोफिशियंट होगा। जो c है, मिस्टेक मत करना, ये देखना 1 2 3, ये थर्ड टर्म है, ये थर्ड विरियल कोफिशियंट होगा, थर्ड विरियल कोफिशियंट होगा ये, ठीक है। और ये देख लो d, जो कि b क्यूब के इक्वल है, ये होगा फोर्थ विरियल कोफिशियंट, फोर्थ विरियल कोफिशियंट होगा ये, एंड सोन, ये कहानी यूं ही चलती जाएगी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, यहां से हमें यार पता चलता है b इज इक्वल टू b माइनस a बाय आर टी, ठीक है। C इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, डी इज इक्वल टू बी क्यूब, यहां से हमें यह मिलता है, यहां से हमें यह मिल रहा होगा। अब अगर हम यहां पर Z इज इक्वल टू 1 की कंडीशन अप्लाई करते हैं, Z इज इक्वल टू 1 की कंडीशन अगर हम यहां पर अप्लाई कर दें, क्योंकि आइडियल गैस बिहेवियर तो तभी फॉलो होगा, बोल्स लो तो यार तभी एक एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर में हमें मिल रहा होगा। Z इज इक्वल टू 1 की कंडीशन अप्लाई कर दे यहां पर, तो ऐसे केस में इसको जीरो होना होगा, इसके लिए जो सेकंड वेरियल कोफिशियंट है इसको हमें जीरो के इक्वल पुट करना होगा। Z 1 के इक्वल कब होगा, हायर टर्म्स को तो इग्नोर कर दिया क्योंकि इनकी वैल्यू यार सिग्निफिकेंट नहीं होगी, इनको इग्नोर किया जा सकता है। तो यार Z 1 के इक्वल कब आएगा, वॉल्यूम तो जीरो हो नहीं सकती है, ये जो डिफरेंस है b माइनस ए बाय आर टी, ये जीरो हो तभी तो z 1 के इक्वल मिल पाएगा। ये डिफरेंस जीरो के इक्वल हो, b माइनस ए बाय आर टी, z 1 के इक्वल तब होगा जब ये डिफरेंस जीरो के इक्वल हो, यानी t इज इक्वल टू a अपॉन आर बी, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बोयल्स टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बोयल्स टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है ये बोयल्स टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को बोयल्स टेम्परेचर बोलते हैं, और ये ए अपॉन आरबी के इक्वल है, किसके इक्वल है, ए अपॉन आरबी के इक्वल है। इन विरियल कोफिशिएंट के बारे में एक और यार खास बात मेरे दिमाग में आई है, ये जो सेकंड विरियल कोफिशिएंट है ये क्या इंडिकेट कर रहा होगा, ये इंट्रैक्शन बिटवीन मोलिकुलर पेयर्स की बात कर रहा होगा, ठीक है ना। और जो थर्ड विरियल कोफिशिएंट है ये इंडिकेट कर रहा होगा इंटरेक्शन बिटवीन ट्रिपलेट्स एंड सोन, दो मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन को यार ये इंडिकेट कर रहा होगा, और ये जो है ये तीन मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा, और ये चार मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा। तो बी है सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बी, इट इज मेजर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मोलिकुलर पेयर्स की इंटरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा। तो सी है, इट इज मेजर ऑफ
इट इज मेजर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ट्रिपलेट्स, इंटरेक्शन बिटवीन ट्रिपलेट्स, ठीक है ना, तीन तीन मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन को एक साथ कंसिडर करना हो तो सी मेजर कर रहा होगा, एंड सोन ये कहानी यूं ही चलती जाएगी। और आपको बता दूं जो विरियल कोफिशियंट है, दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, विरियल कोफिशियंट्स, विरियल कोफिशियंट्स आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी एंड आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, एंड आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, डेंसिटी से इंडिपेंडेंट होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। कैसे? एट लो टेम्परेचर, देखिए जब टेम्परेचर कम होगा, एट लो टेम्परेचर ये जो विरियल कोफिशियंट होंगे दे हैव नेगेटिव वैल्यूज, बी एंड सी, बी सी एंड डी है ना, इनकी बात की है, दो की बात कर लो या तीन की बात कर लो, बी सी एंड डी हैव नेगेटिव वैल्यूज, कम टेम्परेचर हुआ तो इनकी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर दे हैव पॉजिटिव वैल्यूज, B, C and D have positive values. ये temperature dependent है। इस प्रकार से ढेर सारी बातें जो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बुक्स में दी हैं यार, ये तमाम बातें मैंने विरियल फॉर्म से रिलेटेड, इन कोफिशियंट से रिलेटेड आपको बता दी है। उम्मीद है मजा आया होगा आपको, काफी सारी नई बातें सीखने को, जानने को मिल पाई होंगी, है ना। ऐसे ही अगर यार आते रहोगे तो मजेदार अंदाज में खूब सारी बातें मैं आपको सिखा दूंगा, है ना। नॉर्मल डिस्कशन से ही मैं बहुत सारी बातें आपको यार सिखा दूंगा, जहां से भी आप पढ़ रहे हो या केवल यहां से पढ़ रहे हो, ठीक है। नॉर्मल ज्ञान तो आपको मिलेगा ही, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी सीखने को मिल रही होंगी। तो यार इसके बाद लास्ट लेक्चर आपको मिल रहा होगा लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज से रिलेटेड, गैसेस को लिक्विफाई करना मैं आपको सिखाऊंगा, और क्रिटिकल पैरामीटर से रिलेटेड हमारी खूब सारी बातचीत हो रही होगी, ठीक है। तब तक के लिए नोट्स बनाइए, नोट्स कहां मिलेंगे आपको, अपने प्यारे से टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे होंगे, रसायन लीला अपने टेलीग्राम चैनल का नेम है, ठीक है। तो यहां आपको पीडीएफ नोट्स मिल रहे होंगे, इसके अलावा केमिस्ट्री ऑफिशियल, ऑफिशियल यहां भी आपको यार नोट्स मिल रहे होंगे, और मुझसे बातचीत करने का आपको मौका भी मिल पाएगा, और मेरे साथ जो भी कन्वर्सेशन आपकी होगी ये यार इन टेलीग्राम चैनल्स पर ही होगी। फेक टेलीग्राम चैनल्स को काइंडली ज्वाइन ना करें, ठीक है, या ज्वाइन करते भी हैं तो ये आपका रिस्क है, ठीक है ना। मैं आपको क्या मिलेगा ये मैं नहीं जानता हूं। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।